गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। मैं हूं रवि कुमार, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर। हमने सी और सी प्लस प्लस में एरे पढ़े। एरे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे। जैसे इंटीजर एरे हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर एरे हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एरे। तो जब हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर इनका एरे बना सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स का एरे क्यों नहीं बना सकते? तो अन्य प्रकार के डेटा का एरे बनाते हैं, वैसे ही हम क्लास का भी एरे बना सकते हैं। क्योंकि जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, वो क्या है? इनबिल्ट डेटा टाइप्स है। तो क्लास है वो भी अपने आप में क्या है? डेटा टाइप ही है। लेकिन ये क्या है? यूजर डिफाइंड, तो है तो डेटा टाइप ही। अब इंटीजर हमारा एक डेटा टाइप है, उसका हमने इंट ए एक वेरिएबल बनाया। कैरेक्टर हमारा एक डेटा टाइप है, तो कैरेक्टर सी एच ए आर केयर कैपिटल ए, ये हमने वेरिएबल बनाया। तो बिल्कुल वैसे ही क्लास का नेम, जैसे एनिमल क्लास है तो एनिमल और स्मॉल ए, तो स्मॉल ए क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। किस डेटा टाइप का? एनिमल डेटा टाइप का। और एनिमल है वो यूजर डिफाइंड है, हमने बनाया है, पहले से बनाया हुआ नहीं है, इनबिल्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जब हम इनबिल्ट डेटा टाइप है उनके एरे बना सकते हैं, तो क्लास के एरे भी बना सकते हैं। इनबिल्ट जो डेटा टाइप है उनके एरे बनाते हैं, तो उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? उनमें जो तत्व होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो कौन से होंगे? जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो होंगे। और यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होंगे क्लास के? उसके ऑब्जेक्ट्स। Thus, an array of a class type is also known as an array of objects. तो क्लास टाइप का जो एरे है उसको हम ऑब्जेक्ट्स का एरे बोल सकते हैं। An array of objects is declared in the same way as an array of any built-in data type. सिंटेक्स भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। एक एरे हम बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या रहता है? डेटा टाइप, नेम और फिर उसकी साइज। तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या होगा? क्लास का नेम। जैसे हमारी क्लास एनिमल हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, या हेलो हो सकती है, कोई भी हमारी क्लास का नेम हो सकता है। उसके बाद में जो नेम रहेगा वो नेम क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट का नेम। और उसकी हम साइज़ दे देंगे, जितनी साइज देंगे उतने ही ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर किए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि आपने अगर एनिमल क्लास टाइप का आपने एरे बनाया, तो उसमें एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट्स ही स्टोर होंगे। ऐसे नहीं एनिमल के एरे के अंदर आपने व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर दिया, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि एरे की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एनिमल और व्हीकल है वो अलग अलग डेटा टाइप हो गए। जैसे इंटीजर और कैरेक्टर होता है, वैसे अलग अलग टाइप हो गया। हम इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास। अब हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, उसका नाम है माई क्लास इंट ए, और यहाँ पर पब्लिक वॉइड सेट ए और गेट ए। तो हमारा फंक्शन है सेट ए, और इसे हमने एक पैरामीटर पास किया है इंट आई, और कैपिटल ए है उसके अंदर वैल्यू सेंड कर दी आई, और गेट ए के अंदर क्या कर दिया हमने? रिटर्न करा दिया आई एन टी मैन। अब यहाँ तक ऊपर का जो कोड है क्लास के अंदर, वो तो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। अब नीचे यहाँ कुछ डिफरेंट मिलेगा। यहाँ हमने एरे बनाया है क्लास टाइप का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेटा टाइप क्या है? माई क्लास, जो हमारा क्लास का नेम है। ये जो भी आपके क्लास का नेम होगा वो लिखेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब एरे का नेम, जो ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाएंगे, तो ओ बी जे एरे मैंने नाम लिखा है, उसमें साइज दे दी 4। जो नॉर्मली हम एरे डिक्लेयर करते हैं उससे बस इतना ही डिफरेंट है
कि इसमें साइज देनी है। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट बनाते तो क्या होता है, वो एक होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, चार ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं एक साथ। तो जितनी हम साइज दे देंगे, 10 दे दी तो 10 ऑब्जेक्ट्स का एरे बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंटीजर का एरे बनाया इंट ए और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दे दी 10। INTI, अब इसमें वैल्यू असाइन करनी है तो फोर लूप लगा दिया, जीरो से लेस देन फोर तक चलेगा, लेस देन फोर मतलब थ्री तक, तो 0, 1, 2, 3 चार एलिमेंट्स, चार एलिमेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट वैल्यू आती नहीं ऑब्जेक्ट में, तो उसके कोई ना कोई वेरिएबल होगा, तो हमारा यहाँ वेरिएबल क्या था, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी। ऐसे ही अगर हमारे पास, यहाँ तो हमने एक ही वेरिएबल लिया है, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी होते हैं उस ऑब्जेक्ट के, तो उसमें भी वैल्यू हम असाइन कर सकते थे। फिर हमने दोबारा फोर लूप लगाया, अब की बार हमने फोर लूप लगाया वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। सी आउट में लिखा वैल्यू ऑफ ए ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि कैपिटल ए है लेकिन वो क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। तो ओबीजे आई, कौन से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 0, 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। ये हमारा एडिटर में कुछ इस तरह से दिखेगा कलरफुल, ये इसको समझने में आसानी हो सकती है, आपको कलरफुल तरीके से दिखाया गया है। इसका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए ऑफ ऑब्जेक्ट 0। देखिए हमारा वेरिएबल तो ए ही था, लेकिन हर एक, देखिए नॉर्मल जो वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कॉपी बनती है। अब देखिए है तो कैपिटल ए ही, लेकिन इसकी वैल्यू देखो, पहले के लिए 0 थी, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 3, हमने अलग अलग वैल्यू असाइन किए। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक फंक्शंस। तो स्टैटिक जो वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक जो डेटा मेंबर होते हैं, उसमें क्या होता है, एक जो वैल्यू होती है उसी को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। जबकि नॉर्मल वेरिएबल हमारा कैपिटल ए है, यहाँ पर उसको क्या करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से कॉपी बनेगी, ठीक है। स्टैटिक में एक तरह से क्या हुआ कि ओरिजिनल आपको, ओरिजिनल जो चीज़ है वो आपको दे दी और सब शेयर करना है सबको। यहाँ पर क्या, एक तरह से कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी निकाल के दे दी है सबको, तो सब अपने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स का एरे हमने समझ लिया, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको आप कॉपी पेस्ट करके कंपाइलर में चला सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। अभी तक हमने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में वेरिएबल्स को पास किया है, तो जैसे कि हमने वेरिएबल्स को पास किया वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल ही है, एक इंस्टेंस ही है क्लास का, क्लास इसका डेटा टाइप हो जाएगा। एज वी नो दैट वी कैन पास एनी टाइप एंड एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विथ इन द मेंबर फंक्शन, ठीक है। जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं कि किसी भी डेटा टाइप और कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम एक फंक्शन में पास कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट विथ इन द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम साधारण वेरिएबल को पास करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को भी हम पास कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। दिस इज यूजफुल वेन वी वॉन्ट टू इनिशियलाइज ऑल डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनादर ऑब्जेक्ट। वी कैन पास ऑब्जेक्ट्स एंड असाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाइड ऑब्जेक्ट टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे लिए यूजफुल होता है जब हमारे एक ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल्स को हम असाइन, उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं उनके वेरिएबल से, जिसको हम एक प्रोग्राम से समझेंगे। हैस इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम लिखा हमने OBJ, ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म OBJ, ऑब्ज एज आर्ग्यूमेंट ARG। प्राइवेट इंट स्मॉल ए ले लिया हमने एक वेरिएबल। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया void set INTX, तो यहाँ पर ए के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी x और सम किया हमने, दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल है ए, उन दोनों का हमने सम किया और उसको प्रिंट करवा दिया सम को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो हमारी OBJ एज ARG हमारी क्लास थी उसके तीन ऑब्जेक्ट बनाए D1, D2, D3 और तीनों ऑब्जेक्ट के साथ सेट फंक्शन को कॉल किया, दो ऑब्जेक्ट के साथ में, तीसरा तो सम करेंगे ना हम, तो
तो D1 के अंदर हमने D1 का जो स्मॉल a था उसमें 100 असाइन कर दिया, और D2 का जो स्मॉल a था उसमें 200 कर दिया। उसके बाद में हमने सम फंक्शन को कॉल किया और D3 ऑब्जेक्ट से किया, और यहाँ पर हमने D1, D2 और D3 है उनको हमने प्रिंट कर दिया। तो जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट का ए है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर, और हमारा आउटपुट हम देख सकते हैं। ये हमारा जो एडिटर है उसके अंदर कुछ इस तरह से दिखेगा, और हमारा आउटपुट इस तरह से रहेगा, वैल्यू ऑफ ए इज 100, 200 और 300। तो ये हमने बिल्कुल ही इजी तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट देखा। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, अभी तक हम जैसे करते आ रहे थे, किसी भी डेटा टाइप का हम एरे बना रहे थे या किसी भी डेटा टाइप की वेरिएबल को एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन में पास कर रहे थे, बिल्कुल वैसे हम फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भी अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल ही है क्लास टाइप का। इन प्रोग्राम्स को आप खुद से रन करके देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, और फिर इसमें कुछ मॉडिफाई करके और उनको रन करा के देखेंगे, तब आपके ये समझ में आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।